हे दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीवो की तरफ से आने वाले एकदम नया स्मार्टफोन के बारे में, जो है वीवो Y30। तो ये जो स्मार्टफोन है ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस फोन के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले इसका जो डिजाइन है बिल्कुल सिमिलर है वीवो X50 के साथ, यानी कि X50 में जैसे आपको बैक डिजाइन देखने को मिल रहा था, ठीक उसी तरीके का सिमिलर डिजाइन आपको Y30 के अंदर भी मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको पीछे एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें आपको 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लेंस मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिल जाता है। और फ्रंट की बात करें तो यहां पर आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलेगा और वो भी वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। तो जैसे हम फ्रंट के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस फोन के अंदर आपको 6.5 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। साथ में जैसे यहां पर आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलता है फ्रंट में, और इस फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर आपको IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है। और इसके प्रोसेसर की बात करें तो यहां पर आपको Snapdragon 460 का octa-core प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है कि यहां पर आपको Snapdragon का प्रोसेसर मिलता है, लेकिन ये जो प्रोसेसर है उतना भी कुछ खास नहीं है, मतलब इसमें आपको उतना भी कोई पावरफुल परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक बिलो मिड रेंज प्रोसेसर है। तो मेरे ख्याल से ये जो Vivo Y30 होगा ये आपको मिड रेंज फोन के हिसाब से देखने को मिल जाएगा मार्केट के अंदर। लेकिन इस फोन का जो डिजाइन है बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है, यानी कि इस प्राइस रेंज में आपको एक बहुत ही अच्छा गुड लुकिंग स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। और इस फोन के अंदर आपको 8GB रैम, 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा, साथ में यहां पर आपको 5000 mAh का बिग बैटरी देखने को मिलता है और वो भी 18 वाट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। तो यहां पर आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर इस फोन के अंदर मिल जाएगा और वो भी Android 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो ये जो स्मार्टफोन है Vivo Y30 ये ऑफिशियली असल में चाइना के अंदर लॉन्च हो चुका है। तो अगर हम बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में तो ये स्मार्टफोन चाइना के अंदर मिलता है 16,000 के आसपास, और अगर हम गेस करें कि ये इंडिया में किस प्राइस रेंज में लॉन्च हो सकता है तो मेरे ख्याल से आपको Vivo Y30 18,000 के आसपास इंडिया में देखने को मिल सकता है। और ऊपर से इस फोन में आपको 5G का सपोर्ट नहीं मिलता है, यानी कि ये फुल्ली 4G सपोर्टेड स्मार्टफोन है, तो मेरे ख्याल से इसका प्राइस आपको कम ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है Vivo Y30 के बारे में आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।